मैं आप सबको मेरा सलाम मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, आज जो हम ठाट करेंगे ये ठाट काफी है। पहला जो राग है वो राग है भीमपलासी। भीमपलासी वैसे चैनल पर है, लेकिन अभी हमने जो सीरीज शुरू की है वो चैनल की वजह सीरीज की वजह से ये भी राग बीच में आ रहा है, तो इस वजह से हम ये भी करेंगे। और ठाट काफी राग पहला जो है इसका भीमपलासी है। और जब चैनल को सब्सक्राइब करते साथ बेल को भी दबा दिया करें। तो हम शुरू करते हैं लेसन। नी से शुरू होगा, नी सा गा प नी सा। और हो गया ब्रो ऐसे इसका सा नी ध प म ग रे सा। फिर देखने के दफा अगला जो राग है तो राग भीमपलासी का जो वादी सुर है वो मा है, सम वादी सुर इसका सा है। अभी जो हम राग करेंगे जो दूसरा राग है राग शिवरंजनी। राग शिवरंजनी इसे मालती भी कहते हैं। राग शिवरंजनी ऐसे सरे का पधा सा साधा पगरे सा रे गा पा धा सा धा पगरे गा पगरे सा। वादी सुर इसका पा है, संवादी सुर इसका सा है। तो अगला राग हम देखेंगे राग काफी। अब हम करेंगे राग काफी का वादी सुर है पा, संवादी सुर इसका सा है। जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण राग काफी ऐसे सारे का मा प ध नी सा नी ध प म ग रे सा नी ध नी रे सा नी ध नी रे सा। तो अगला राग हम देखेंगे राग गौड़ मल्हार। तो गौड़ मल्हार का रू ऐसे है सा रे म प ध सा रे म प ध सा। अरु होगा ब्रो ऐसे इसका सा नी प म प ग म रे सा। ये आप लोग अपने पास लिख भी लें। वादी सुर इसका मा है, संवादी सुर इसका सा है। अब रो फिर देख ले सा नी प म प ग म रे सा। अगला राग देखते हैं राग पीलू का रो ऐसे है राग पीलू का वादी सुर गा, संवादी सुर इसका नहीं है। और वो ऐसे है इसका सरे गा म प ध प। और वो राग पीलू का ऐसे है सरे गा म प ध प नी प सा। ये था इसका, इसमें शुद्ध धा भी लग रहा है और कोमल धा भी लग रहा है, ठीक है। अब रो इसका ऐसे है अरो हो गया, अब रो इसका ऐसे है नी ध प म ग नी सा। नी से इसका अवरोह होगा, अवरोह तो सा से जा रहा है लेकिन अवरोह जो है वो नी से होगा। वादी सुर राग पीलो का गा है, संवादी सुर इसका नी है।
बार बार इसलिए बताना पड़ता, शायद मैं ही ना भूल जाऊं, इस वजह से बताता हूं बार बार। राग बहार जो है वो ऐसे है, सारे ग प ग म नी ध नी सा, और वो में दोनों ही नहीं लगते हैं इसमें, ठीक है। फिर देख लें और वो अरो फिर देख लें, सारे ग म प ग म प नी ध नी सा। अभी अवरोह देखेंगे इसका, सा नी प म प ग म रे सा। वैसे ये सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप सबको पता हो कि ये कौन कौन सा राग है, तो किस किस ठाट में कौन कौन सा राग आ रहा है। तो ये हमारा आज मेरा ख्याल पांचवा ठाट है। राग बहार का वादी सुर मा है और संवादी सुर इसका सा है राग बहार का। अगला राग देखते हैं, राग बरवा। तो राग बरवा का रो ऐसे है, सा रे म प ध नी सा। इसमें शुद्ध नहीं लग रही, ठीक है, कोमल नहीं लग रही। सा रे म प ध नी सा, सा रे म प ध नी सा। सा नी ध प म प ग, सा नी ध प म प ग रे ग रे ग। तो ये था राग बरवा। अगला राग देखते हैं, राग बरवा का वादी सुर है रे, संवादी सुर है इसका पा। तो अगला राग देखते हैं हम, राग बगेशरी का रो ऐसे है, सा म ग म ध नी सा। सा नी ध म ग म ग रे सा। तो राग बगेशरी का वादी सुर मा है, संवादी सुर इसका सा है। अभी जो दोस्तों हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग मध्यमाद सारंग। तो अरो ऐसे है इसका, इसका वादी सुर जो है राग मध्यमाद सारंग का रे और समवादी सुर पा है। वादी रे, समवादी सुर इसका बा है। अरो ऐसे है इसका, सा रे म प नी सा, सा सा नी प म प रे सा, सा नी प म प रे सा। तो अब जो हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग माल गुंजी। इसका रो ऐसे है, इस राग में शुद्ध गा लग रहा है, ठीक है। सा ग म ध, देखिए शुद्ध गा लग रहा है बीच में,
देखे जरा फिर देख ले। सा ग म ध नी सा, इसमें शुद्ध का और शुद्ध नहीं लग रही, ठीक है। अरोह हो गया अवरोह, इसका काफी की तरह ही है, ठीक है। सा नी ध प म ग म ग रे सा, ठीक है। इसका वादी सुर माँ है, संवादी सुर इसका सा है। राग माल गुंजी, राग मेघ मल्हार, इसका आरोह ऐसे है। सा म रे म प नी नी सा, अब रो इसका ऐसे है। सा नी प म रे म नी रे सा। तो ये था राग मेघ मल्हार, ये बरसात ऋतु में गाया जाता है। इसका वादी सुर सा, सम वादी सुर इसका पा है। राग रामदासी मल्हार, इसका आरोह ऐसे। सारे प रामदासी का अरो ऐसे है। सारे प म ग म प नी ध नी सा, अब रो हो गया अरो, इसके अरो हो गया अब रो ऐसे इसका। सा ध नी देखने एक दफा। सा ध नी म प म ग म रे सा। तो ये था राग रामदासी मल्हार, ये भी बरसात ऋतु में गाया जाता है। वादी मा संवादी सा, अगला राग देखते हैं हम कौन सा है। सा रे म प म प नी सा, शुद्ध सारंग इसका आरोह ऐसे है। सा रे म सा रे म प म प नी सा, सा रे म प म प नी सा। शुद्ध सारंग का अरोह हो गया अवरोह ऐसे इसका। सा नी प म प ध प म म रे नी सा, फिर देखने एक दफा। सा नी प म प ध प म रे नी सा। तो ये आप लोग अपने पास भी लिख कर रख लें, ठीक है। राग था शुद्ध सारंग, ठीक है। वादी रे संवादी पा, राग सुर मल्हार, ये भी बरसात ऋतु में गाया जाता। वादी सुर इसका माँ है, संवादी सुर इसका सा है। तो अरोह ऐसे इसका। सा रे म प नी सा नी सा, शुद्ध नहीं लग रही नी सा। अरोह हो गया अवरोह ऐसे इसका। सा नी ध म प म रे सा। तो आप लोग अपने पास सुरे भी लिखने लिख कर इसकी रख लें। राग सुर मल्हार, तो अगला राग हम देखते कौन सा है। वादी मा संवादी सा है इसका, राग सुर मल्हार का। राग सुहा कांदड़ा, इसका रो नी से शुरू होता है, वैसे है। नी सा
फिर देख ले रो इसका नी सा ग म प नी म प सा सा नी प म प ग म रे सा। तो ये था राग सुहा गांधड़ा। वादी सुर मा है इसका, संवादी सुर इसका सा है। तो अगला राग हम देखते कौन राग सिंधवी संदूरा। वादी सुर इसका सा है, संवादी सुर इसका पा है, और वो ऐसे इसका सा रे मा प ध सा सा नी ध प म ग रे म ग रे सा। ये था दोस्तों राग सिंधवी संदूरा इसका आरोप अपरूप। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अच्छा काम कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको सिखा सकूं, बता सकूं। काफी दोस्तों ने कहा था कि जो ठाट हैं उनके आगे जो राग हैं वो बताएं, तो वो मैंने कोशिश की है। तो आप लोग इसे शेयर लाइक कमेंट से जरूर।